मोहम्मद की जात मोहम्मद वाले मोहम्मद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अज़्ज़ला व सलाम اشرف الانبياء والمرسلين بانی شریعت دی ذات تے باغ بلند صلوات الذي قيل قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسين مني وانا من الحسين نارا حيدري आई दी मजलिस दी इब्तदा अपनी जबानी नहीं किसे दुनियादार बंदे दी जबानी नहीं आई दी मजलिस दी इब्तदा हदीस रसूल सकलैन अल हुसैन मिन्नी व अना मिन अल हुसैन लाहौर आलिया जितने मेरे जान बैठे हो मैं मुसाफर दी दुआ ने अकबर दी जुत्ती दा सदका जानी अमान नहायत मकबूल आस्थान है मेरी आदत है इब्तदा मजलिस दुआ करे ना दुआ पे करदा शाहजादी लैला दे सोने अकबर दा सदका मैं ना करा शादी ए महीना है मनसूबे जनाबे फातिमतुज़्ज़हरा देना लाहौर आलियों ताडा मेहमान हुसैन दवा करा दुआ प्या करे ना अल्लाह ना तस्बी गुजार हथां दा सदका जेड़े चक्की पींदे पींदे रंगीन हो वेंदे मैं बड़ा जल्दी आ गया मैं प्यादा होना तस्बी गुजार हथां दा सदका जेड़े चक्की पींदे पींदे रंगीन होंदे आए उन्हें हथां दा सदका मौला थोड़े बच्चे की जिंदगी दराज सुभान आदा पिया दी यार बड़े दर्द वाले लोग बैठे हो पुरानी लाकड़ी दे अंदाज तसन्न बनावट का कायल नहीं प्योर लाकड़ी का कायल कोई जाकरी दावा नहीं हुसैन दवा तेरा मुसाफिरा तुहाडा मेहमान है मुसाफर नवाज बन के सुन
आदा पिया दी इस्लाम दे काबे दी भुलिया नहीं तवज्जो चाहना आदा पिया दी इस्लाम दे काबे दी ते रखी पाक नबी बुनियादे इस्लाम दी चार दीवारी ते लगे दाड़ी भीण यार थक के ना सुनो अल्लाह वास्ते हमारा थोड़ी खजर की उम्र करे मैं नौकर हूं लाहौर आले होए ओ कम्मा जेड़ा नबी नहीं कर सके नबियां दा सुल्तान नहीं कर सकया जेड़ा भेण बिरावा दा हद नत मुकाए खासूसन जेड़े जवान बैठे सिर चावावे इस्लाम दी चार दीवारी ते लगे दादी भेण यार पढ़े लिखे आदमी हो चार दीवारी तो बन गई लेकिन इमारत मुकम्मल नहीं हुई बिराद लथो चेहरा वेख जमाने दे मुश्किल कुशा दी थी जमीन टूटी बिराद गल च बहा पा के आधी दी चादर नब छत कीते हाथ प्यारे की बैठे यार साने मदर च मातम जाए दे हमला थोड़ी जिंदगी दराज करे मैं ना करा मेरा दिल आ दे एक बार फिर दोहरा दे जो सारे समझ आ जाए आदा पिया दी दीन सलाम दे काबे दी ते रखी पाक नबी बुनियादे इस्लाम दी चार दीवारी ते लगे दादी बे आदा पे अड़ती चादर नब छत कीते गल समझाए ते कीता फरश रंगीन सजा दे इस्लाम दी चार दीवारी विच वो आज हर मुस्लिम आबाद कमाला तेरी खिदर की मैं ना करा माला तुम्हारी जिंदगी करे यार मैं अजय दो मंजिल संजा पढ़नी है लेकिन मैं चाहना जो मजलस मुकम्मल पर बिराद लत होया चेहरा वेख आदि कदाई परेशान न होवे मेरा मन दा पल्लोया जे चार दीवारी बन गई आई ता हैरान न हो दित्ती चादर ज़ैनब छत कीते ते कीता फरश रंगीन सजा दे इस्लाम दी चार दीवारी विच वो आज हर मुस्लिम नजरे मौला माफ कराए भाई जो कुछ मैं चाहना सुनावन दी कीते थोड़ा जा मेरे नाल आओ क्योंकि बड़ा बादम माहौल है और जिंदगी च बेअदब पढ़न दी आदत नहीं लाहौर दे सराफ लोग खानदानी आजादार बैठे हो अमीर शाम दी मौत दा वक्त करीब आया इस अपने लानती पुत्री अजीद नु बुला के आ दई अजीद जमाने दियां गल्लां भुल वञे तू मेरी सल्तनत दा मालिक है मेरे तख्त और ताज दा मालिक अजीद जमाने दियां गल्लां भुल वञे मेरी आखरी गल ना भुल्ले लाहौर वालों रियायत नहीं इंसाफ
अगर ये आखिरी लाइन थोड़े जहन च आ गई वक्त शाम तक जितनी मजलस होनी है इस फिक्रे का अपना वजन होना यजीद जमाने दिया गल्ला भुल बंजे मेरी आखिरी गल ना भूल याद है दस बाबा अमीरे शाम पुत्र नु प्या दे बेहार कोई ताड़ी बयात कीते ते हो सी बिलाखर आमादा कै कुजर जागीर दलालच हो सी नजर मौला गल समझाया भाई किसनू तेरी दौलत का लालच हो सी किसनू तेरी फौज का डर हो सी वह लोग तेरी बैत करे सन या तेरी फौज तो डर दे या तेरी दौलत दे लालच मैं भूलिया नहीं तवज्जो चान कैकू जर जागीर दा लालच हो सी लाहौर आलियों जिथे बासो रोसो दुआ कर सो अमीरे शाम खड़ा हो गया यजीद नु प्या दे पर कई कीमत नहीं कल संगदा ते तेरी तेरे बच्चे रंग लावे दुआ नंबर शाला हुसैन का ईमान सलामत रहे मैं नौकर अमीरे शाम प्या दे पर कई कीमत नहीं कल संगदा ते तेरी बैयत चन लहरा दा तेरी कई लफाज तू ज्यादा है कुमार अब्बास यार थोड़ी क्या खुदा की कसम तो हक अदा की मैं 17-18 साल हो गए थोड़ी खिदमत कर दे महसूस होंगे थोड़ी मोहब्बत तू जो मेरी पहली मजलिस है अल्लाह थोड़े बच्चे रंग लावे हूं गल भूलनी नहीं यजीदा दे दस बाबा हुसैन की फौज मेरे तो ज्यादा है गल समझना लिए बार बार अगर मैं तू ना कर तवज्जो करो तो गल चंगी नहीं बाबा हुसैन की फौज मेरे तो ज्यादा अमीर शामा दे नहीं यजीदा दे बाबा हुसैन मेरे तो ज्यादा अमीर है अमीर शामा दे बज़ाहिर नहीं वैसे हुसैन कायनात दा अमीर ओ मौला थोड़े बच्चे नूं रंग ला बज़ाहिर नहीं वैसे हुसैन कायनात दा अमीर यजीदा दे है बाबा जदों हुसैन की फौज मेरे जितनी फौज नहीं मेरे जितनी दौलत नहीं हुसैन कोल मुड़ मैं क्यों लड़ा क्यों डरा ए अमीरे शाम अपने पुत्र नु प्या दे मैं तेनू आप बीती सुनावना चाहना मैं नाल अली दे जंग कीती ओ सफीन दे मैदान च ते हा गाजी बाल नादाने उस फौज मेरी ते हमला कीता अगे डर के छोड़ मैदान अमीर शाम प्या दे तैनान हुसैन दे लड़ना है ते रखी गल दा खास धिया ने घिन सारी फौज कुनाल वंजे क्यों जो हुण अब्बास जवान अमाला गाजी थानू रंग लावे क्या बात है थोड़ी यार गाजी थानू रंग लावे बड़ा लुक सारे पंदार थोड़े सुन टाइम नहीं नाराज ना हो रहा है क्योंकि टाइम थोड़ा है मैं काफी पढ़ने आदता नाल हुसैन दे लड़ना है ते रखी गल दा खास धिया ने
घिन सारी फौज कुना अलवन क्यों जो होना बास। मेरा दिल आदे थोड़ी उस मोहब्बत नु वेख के लाहौर आले थोन अब्बास ते हमला ना सुना। मैं बोझ बनन नाल रात कर नहीं तो सच्चा दे पयो समय सटे छोड़ दे सा। सुनावा गाजी दा हमला। जरा आओ मेरे नाल तसव्वुराती दुनिया च वादी ए करबला च थोड़ा जमन कर दे भाई। आदा पिया उमवी तयूर दे दार उते। दार समझ लो ना, परिंदियां दे डार नहीं होंगे 100 200 400 कट्ठे प्रवास करेंगे। ये परिंदा ना ये उमवी तयूर उमवैया खानदान के बंदे जानते बैठे हो ना। आदा पिया उमवी तयूर दे डार उते ते शाहबाज जदा पर खोले। जागो यार नजरे मौला, मैं थोड़ी मोहब्बत इतना पढ़ा वरना मैं ज्यादा पढ़ने का शौक नहीं रखता। कायनात अंगुष्ट बदंदा थी गई अफलाक ते पैदल रौले। केड़े रौले? आदा पिया जाक जलानी वाली दी ते कुल शामी कूफी बोले मालूम थी दे कुल दुनिया दी आज मौत अब्बास दे कोल। अच्छा सब मौला गाजी तन बचड़ा दे रहे। आदा पिया उमवी तयूर दे डार उते लिखण वालों की भी क्या ते शाहबाज जदा पर खोले कायनात अंगुष्ट बदंदा थी गई अफलाक ते पै गए आदा पिया दे जलाली गाली दी ते कुल शामी कूफी बोले मालूम थी दे कुल दुनिया दी आज मौत अब्बास। तानू गाजी रंग ला रही है। मेरा इरादा तो बहुत कुछ पढ़न दा ही, मैं बगैर तशरीह तो जनाब में कसीदा ये हुक्म तो ढेर सारे जो सारे मैं हुण पढ़ा तो वह दूजे जाकर कल पढ़ सकूं ते नाराज ना हो करो जिन्हां दे हुक्म दी तामील ना हो सके आइंदा मजलिस ते मुड़ से जिंदगी रही। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम या अय्युहल लज़ीन आमनु तक़ुल्लाह वकूनु मस्सादिकीन। अल्लाह फरमाते ने एक मुत्तकी परहेज़गार बनो संगत करो सच्चियां दी। सच्चे कौन हैं? मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद। सच्चे कौन हैं? मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद। मैं तुम कायनात दे सदीक अकबर पूरी कायनात दे सरदार अमीर उल मोमिनीन दी अजमत दा कसीदा सुनावना चाहना। कसीदा मैं बिल्कुल नवा जिहा पढ़न लगा और वह कसीदा है भी लाहौर दे दादा जिवें थोड़े सुनन दा म्यार है थोड़े म्यार तो घट कसीदा नो सी। बिल्कुल नवा जिहा कसीदा पढ़न लगा सोच भी मेरे एक दो कोई नहीं चलो अज तुसी सोच दित्ती तो मैं लस पढ़ी जा सी। पढ़ा कसीदा। अल्लाह का हुक्म होए मोहम्मद मुस्तफा नु टाइम इजाजत नहीं देना नहीं तुम मैं दो चार जुमले फजाइल ते सुनावा। अल्लाह पे फरमाए दे मेरा हबीब मेरी रजा साथ लेके जा दापे मुश्किलात बला साथ लेके जा। ज़ेन बेदार रहे मेरा हबीब मेरी रजा साथ लेके जा दाफे मुश्किलात बला साथ लेके जा कुफार के खुदाओं से लड़ना है अब तुम्हें तू भी नुसैरियों का खुदा साथ लेके जा।
کفار کے خداؤں سے لڑنا ہے اب تمہیں, تو بھی نصیریوں کا خدا ساتھ لے کے جا. تو قصیدہ پڑھنے لگا ہے پروگرام, ایک تو اور سن لو. ماشاءاللہ میرے بڑے دور دور تو دوست ہیں یار. نظر مولا جڑے عزادار میرے تو ناراض ہو, میں کو ولی یا معصوم جو ہر مجلس تے پہنچ سکتا ہوں, نہیں بھی پہنچ سکتا تو تھانو بی بی دا واسطے میں دلو معاف کرے, یا تسی اگوں کچھ نہیں ہو جاواں جو میں تھوڑے کول نہیں پڑھنا, مڑ چپڑ سا ایک نہیں دو چپڑ سا. جتنے عزادار ناراض ہو بھائی سارے ہو بھائی, اے نظر مولا معاف چکیتا کرو. اچھا دوجی کمزوری ہے پبلک سانو بندہ ہی نہیں سمجھتی, اور صرف ذات کر سمجھ, اسی بیمار نہیں ہو سکتے, کوئی مجبوری نہیں ہو سکتے, بس تسی جیوے ہو پہنچو. نظر مولا کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کر دیتا کرو. ایسے گرے بتے حرم مرتضیٰ کے سامنے جس طرح سجدہ کرے بندہ خدا کے. گھڑی تم دے سا. ایسے گرے بتے حرم مرتضیٰ کے سامنے جس طرح سجدہ کرے بندہ خدا کے سامنے. گل سمجھائے, کتنے باغیرت, کتنے باغیرت تھے کفار کے بنے ہوئے, ٹوٹ گئے بھاگے نہ تھے وہ لا فتح کے. تھوڑی محبت مجھے پتہ نہیں لگا تو گھڑی میرا ساتھ نہیں دے رہے, میں ہوں قصیدہ پڑھنے لگا. میں تشریح تاں کراں جو تھانوں اٹکل نہ ہوندی, جنہاں دے بچیاں دی غذا دا نام علی ہے, میں کتنی تشریح کراں. لہذا اس قصیدے دی تشریح باقی آئندہ مجلس تے, اور انشاءاللہ زندگی رہی تے 8 فروری 1 تو 2 میں پڑھنا ہے پیر الطاف حسین شاہ دی مجلس تے, بہت سارے راکر ہونے نے. لو میں بغیر تشریح تو قصیدہ پڑھنے لگا, صلوات ایکسائٹنگ نال پڑھو قصیدہ. گردن کر کے خم جا رہے ہیں, 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 بڑی توجہ نظر مولا. گل میری زمین تے نہ ونجے, گردن کر کے خم جا رہے ہیں, گردن کر کے خم جا رہے ہیں, گردن کر کے. توجہ سیم سیم ہرون ہو کے بے آبرو, سیم سیم ہرون ہو کے بے آبرو, دنیا والو رب کے گھر سے سنم جا رہے. سہمے سہمے ہرو ہو کے بے آبرو, دنیا والو رب کے گھر سے سنم جا رہے ہیں. جاگ دے بچو, تھوڑے معیار کے مطابق شعر پڑھنا چاہنا. رب کے گھر سے سنم جا رہے, رب کے گھر سے سنم جا رہے ہیں, شعر پڑھنا چاہنا, وقت اجازت نہیں دینا. امیر المومنین دا قدم آیا ہے, سارے بت میرے مولا انورد پہ کریں دین. عرض یہ ہے کہ گھر میں تمہارے ہم نہ آئے چلا اے گئے ہیں, عرض یہ ہے کہ گھر میں تمہارے. یار نظر والا تھوڑا جا ذہن بلند کرو, رب کے گھر سے سنم جا رہے ہیں, رعایت نہیں انصاف, رب کے گھر سے سنم جا رہے ہیں. بت ویندے بھی پین تے میرے مولا نو پیا دین. عرض یہ کہ گھر میں تمہارے
जितने मेरे मौला दे आजादार बैठे, मैं तो पहले आके जो सारे दिन पढ़ सकता तो मेरा चलान न करे। अगली मजलस से पढ़सा शेर पढ़ना चाहना, रब के घर से सनम जा रहे हैं, घर संभालो जी। थानू गाजी रंग लावे शेर पढ़ना चाहना, वाकई याद है जब रसूल पाक ने फरमाया लाओ कागज कलम दवा, मैं तुम्हें लिख देवा उन्हें आख्या हसबुना किताब अल्लाह। और सही दम कुछ बोलिया है एक सौ दी घटन। अच्छा हुसैन पहे ने तो मैं तो इतना बुलंद तवक्कल का बंदा, मैं जिंदगी च घबराया ही नहीं। घर संभालो जी, हम जा रहे हैं पढ़ के जामने में, वो तो जा रहे हैं ना। मजलस में मुकम्मल पढ़नी है, हुसैन का जिक्र पे करदा, हुसैन दे बाबे का शेर सुनना, हसबुना किताब। इस गल नूं ज़हन च रखना, शेर पढ़ना चाहना। इमाम हसन हसन अलैहिस्सलाम दा बचपन दा ज़माना है, एक बच्चा पे खेड़ दे तो सरकार ने फरमाया ओए साडे गुलाम दा पुत्र, इनाल टुर पैन कागज कलम दवा चाके, घर संभालो जी हम जा रहे हैं। बदन देर च रवे, कसीदा पढ़ना बड़ा मुश्किल है, मैं हकूक अदा करे सन। घर संभालो जी हम जा रहे हैं, ए आन कागज कलम दवा चाके, मौला हसन मौला हसन मौला हसन। सरकार पर मैंने कोई गल नहीं सुनी, अगे टुरदे जाने टुरदे जाने, वो पीछे पीछे जनाब सलमान ने मंजर दिखा दौड़ पे, रसूल की कबर पे हाथ रख के जनाब सलमान पे आदमी के गल, तेरे फरमा पे साहेबों ने टाल कर हसबुना कह दिया, तेरे फरमा पे साहेबों ने टाल कर हसबुना कह दिया, उन बिचारों को क्या हो गया है, पीछे पीछे वो पीछे पीछे वो तेरे पीछे के लेके कागज कलम जा रहे। नाल टुर पैन कागज कलम दवा चाके, घर संभालो जी हम जा रहे हैं। बदन देर चले, कसीदा पढ़ना बड़ा मुश्किल है, मैं हकूक अदा करे सन। घर संभालो जी हम जा रहे हैं, ए आन कागज कलम दवा चाके, मौला हसन मौला हसन मौला हसन। सरकार पर मैंने कोई गल नहीं सुनी, अगे टुरदे जाने टुरदे जाने, वो पीछे पीछे जनाब सलमान ने मंजर दिखा दौड़ पे, रसूल की कबर पे हाथ रख के जनाब सलमान पे आदन के गल, तेरे फरमा पे साहेबों ने टाल कर हसबुना कह दिया, तेरे फरमा पे साहेबों ने टाल कर हसबुना कह दिया, थोड़ी देर में फिर न जाने उन बिचारों को क्या हो गया है, पीछे पीछे वो
काफी वक्त हो गए, मैं उन्हें इंतजार न करावा, थानू मौला गाजी रंग लावे। हुक्म ढेर सारे लेकिन मैं नहीं चाहता जो मैं पता है जो मैं औखा पियो ने तुम्हारे मोड़ औखो। अच्छा अच्छा नजरे मौला तू माफ कर, इधर नेमल बदल होर मैं पढ़ना ना, एक शेर में होर पढ़ो मेरे मौला दी जात। थोड़ी सलवात तो पक लगता है जो तुम हूं पुरब मैं सुनिया शिया का साझा करा, लड़ावन नहीं आया, पीर की तारीफ करना आया, कोशिश पे करे ना जो समझा सका है कि नहीं, ओ ओ है कि नहीं, है कि नहीं, ए ए है कि नहीं, है कि नहीं, ओ ओ है कि नहीं, है कि नहीं, ओ ओ है कि नहीं, है कि नहीं, ए ए है कि नहीं, है कि नहीं, ए ए है कि नहीं, काबे के अंदर मार नबी ते बस इंतजार न करावा 10 या 12 मिनट। मेरे भाई ने पता नहीं कौन ने हुक्म दिता है जे तैनू ज़हरा दा वास्ता है, सन अकबर की शहादत सुन। बड़ा औखा जिहा मजमून, कम अज कम 2 घंटे का मजमून। रसूल दी धी फरमाइंदी है करबला दे किसे शहीद नूं रो ते भावे न रो तेरी मर्जी, लेकिन जदा मेरे अकबर दी शहादत पड़ी वंजे तू रोवे नहीं, मेरे पास दे दर्द वध वन। अल्लाह वास्ते यार पिछे बह जावे, मैं मिन्नत पे करे ना मौला तेरी जिंदगी करे। जेड़े चिट्टियां दाड़ियां वाले बुजुर्ग बैठे हो दावत पे देन दूरे अजन भी नहीं, मैं नहीं समझा सकिया। आदा पिया
जवान बैठे हो। पिया मरता होवे प्यो खड़ दई पुत्र तू दूर खुल पागू दी दे पे चुवेंदे छुपवेंदी आई कलर झोलियां पुत्र नहीं रोंदे जी दवाए दुआ मंगाया इन दस साल पुत्र नो मैनु सैंदा किरण जी मेरिया मावा भैया जरूर वैन कर आए मत थोड़े नाल खुशी की झोली चाई बैठी हो जे कड़ियल जवान बैठे हो आज इन रोवो जिम्मे शामे गरीब वली दिया धिया जी हमाला तेरी खिजर दी मैं ना करा जी हा मेरे बुजुर्ग इन जवान इन हुक्म देने पैन इब्राहिम ने पट्टी बधी आई इन्हें लोगों दस हुसैन अकबर दे सीने तू फल छिके पत्ती बदी कोई ना सैयद फल हाथ पा गया देना ना तुरा दादा इब्राहिम तुरा मैं अकबर दे सीने तू फल छिकड़ वाला मेरे हाथ नहीं कंबे अच्छा मेरा भाई आदे फल ना पाड़ मैनू हुसैन दे जिक्र कसम है जेड़ा फल अकबर दे सीने च लथा है ओ त्रै नोका मुड़ी होइया नोका हन जेड़े अकबर दे कलेजे तू पार हो गया है जेड़ा उत्ते बाद बड़े मुज्तहिद शेख मादी रवायत करन दिना दिन हर जमे रात दी रात मैं शब्बीर दी जरी ते मजलस पढ़दा है शेख मादी याद निकरात मैं हुसैन दी जरी ते दिया मैं लोग इकट्ठे हो गए मैं आदन शेख मादी उंदी शहादत सुनवा जंगी लाश ते पैरां दे भार टुर के नहीं जी औलादे बतूल में माफ कराए भाई भाई तो है इजाजत जितने सैयद बैठे हो तुम बीबी दवा से माफ करे सो शेख मादी आदन मैं अकबर दी शहादत शुरू की थी जितने जाहिरा इन रोंदे रोंदे गश कर गए शेख मादी आदे मैं घर आके सम गया मेरी अख लगी है मैं डिठा एक मस्तूर है जैना पासे ते हाथ मैं हकल मार के आदि शेख मादी मैं सुनिया मैं कौन शेख मादी आदे दरिया मैं तू पक हो गए तू मोहम्मद की खाली वाली हो थी पत्थर का मैं जामिन नहीं और मेरे जवानों ए मौजे तेरी सैन दा सैयदादी आदी है मैं सवाल तू डाडी डरी होई सैयदादी आदी शेख मादी मैं मोहम्मद दी दियो के मिन्नत करन आया आंदा तू बाद मेरे हुसैन दी जरी ते अकबर दी शहादत न पड़े शेख मादी आदे बीबी मैं गलत तो नहीं पढ़िया रसूल दीदी आदि पढ़े ठीक है लेकिन जेड़े वेले दी शहादत पड़ी हो ये ज़ैनब का हुसैन गाल लगे हो ना मेरी ज़ैनब नवाश है ना मेरे हुसैन दे हनूर दे
खातम करो ना तो हाय अकबर। भाइयों एक मिनट एक गल सुन लो, मैं शायद इस मजलिस इतना अगे भी एक बार गल सुनाई आई, लेकिन उस गल का बहुत बड़ा असर है। मैं रसूल दे मिंबर ते खड़ोता, मैं आज पूछे 7 साल पहले एक मुहर्रम पड़े आई, इलाका सिंध खैरपुर मीरस कोट डिजी दे शहर च 10वीं दी रात, मेरे दोस्तों अजीजो बुजुर्गो कम अज कम 1-2 लाख का मजमा आंदा ते लोग 100-200 मील तू जैनब दे वीर दा मातम करा लैणा दिन 10वीं दी रात। तुसा सुन नहीं सकना, 10वीं दी रात नू मैं मिंबर ते झूठ बोला हुसैन दा मुजरम, लोग मातम करा दिन मैं उथे मुहर्रम पे पड़दा सी, 2 सैयदादे एक दी 18 या 19 साल उम्र, छोटे भरा दी 7 या 8 साल, ये 2 सैयदादे कोट जी शहर 10वीं दी रात नू मातम करना है। वड्डा भरा जंजीर मरेंदा शहीद हो गया, सिंध दिया लोगा उहदे छोटे भरा नू आखे तू रो, ओ 7 साल दा सैयदादा दे सोचो अज मैं कन रोवां। आज मैं कहनू रोवां, मैं ना रोसा, मैं उन्हें सिंधिया लोगों नू आखे जितना खर्च होवे मेरी तरफों सैयदादे नू कफन पवाओ, जितना दूर दवस्त है ट्रांसपोर्ट का इंतजाम करो, खर्च मैं करे सा पहुंचाओ। आज 10वीं दी रात मत आए ना इस गरीब दी कोई भेण होवे, मौला साडे बच्चे नू तैयारी करो जे मातमी आए बैठे हो, मैंने मिंबर की कसम घुसलो कफन दवा के ट्रांसपोर्ट का इंतजाम किया है। 10वीं दी रात 1-2 बजे का टाइम उन्होंने सीधिया लोगों मैंने आके जाफर तैयार तू पंजाब चू आए हैं, इतफाक नाल मुहर्रम सिंध पे पढ़ दें, इतनी मेहरबानी कर जो इमदाद की थी सैयद, मैं आख्या मैं तेरी जुतियां का नौकर हाँ, उस आख्या वा इतनी मेहरबानी कर साढ़े नाल लगा इसकी मैयत इन्हें घर पहुंचा। मैं नाल तुर पिया 10वीं दी रात सुबह का टाइम 60-70 मील के फासले ते उस सैयद का घर आई, इसलिए करीब गया उन्हें सिंधिया लोगों सिंधी जबान च मैं आखे जाफर तैयार ओ जिस वेड़े चू मातमी जलूस पे निकलता है इस गरीब का घर है, अल्लाह वास्ते यार थोड़ा जहा समा लाओ। मैं सर्ज कह करके आखे मेरिया मुर्शदादियां सैयदादियां मैंने फरमाया जा फर तैयार ए तहिके तोड़े लख मर वंजन आज दी रात असा अकबर नू रोणा लैला दा पुत्र इकराब दा मेहमान जिन्हां दे सीने डुक दलो मातम न करो साडे मेले विच मातम जाए दे इंतजार न करावा अकबर मैदान चाहे बहुत ज्यादा टाइम हो गया मैं 2 वैंड पढ़ ली अली अकबर मैदान चाहे बड़ा मजमून आई लखा अकबर जेड़े सिगर बैठे अकबर आदे बाबा पुत्र झड़पी आई जेड़े चिट्टी डाली आले बैठे शबीर चल दिन झड़ पाने चल दिन झड़ पाने चल दिन झड़ पाने तलिया टेक के मेरा नाम उठे आसमान दमू करके आ गए आसमान तुझ पे तेरा चांद आया है मुझको भी बता दे के मेरा चांद बड़ी मुश्किल दे नाल पुत्र दी लाश ते आए अकबर दी लाश चाक के मेरा मौला टुरे 5 या 7 मिनट जेड़े कड़ियल जवान बैठे हो मैं थोड़ी मिन्नत करे ना बुढ़े रोवे ना रोवे ना दी मर्जी जेड़े जवान बैठे हो जरूर बवे रुया है मत थोड़े नाल अकबर दा भिरा सजाद आया बैठो अकबर नु जाग के मेरा मौला टुर पिए थोड़ा जे टुरे मेरा इमाम व जमीन ते बहरी है कर बराओ दे टिबे तू आवाज आई है हुसैन मुक्की आई आवाज आई है औखे वेले मैनू छड़न वाला कौन है कमजोर दे आवाज आई है तेरी जख्मी पासे वाली मां क्यों आई है रसूल दी दिया दिया हुसैन नबी दिया लाइना लगी हुई है सारे नबी तेरा इम्तिहान पे वे दिल हुसैन बह क्यों रही है मेरा इमामा दे तेरे अम्मा
तेरी इसमत की कसम है मैं अकबर की मौत खा तुसा घर थोड़ी रोण है अम्मा मैं अकबर की मौत खा गई अम्मा मैं वादा प्या करे ना साढ़ नबिया लाइन खड़ो मैं अकबर जावन लगा मैं हूं बाना नहीं मेरे चिट्टीदारी आले बुजुर्गो मेरी कौम के जवान शबीर ने अकबर चाहे लाहौर आलो लाया कुरान मेरे सर ते रखो खतीब आले मोहम्मद सैदी साहब का जुमला पे पढ़ता अकबर चाहे सपोर्ट के बिठे मैं अकबर के पैर थले दो हाथ अकबर की लाज जमीन रखिए पीऊ दे गल बाबा क्या दे खैबर का दर पटना सौखे अकबर की लाज चावनी हो मातम करो यार साढ़े मतलब मातम जाए अजा नहीं अकबर की लाश आके तत्ती रेत ने समाई ने सारिया मजदूर चो गिरद आ गई जेडे पुराने रादार बैठे हो पुरानी दाखिरी दवा इन पे पढ़ता अकबर की लाश दे चो गिरद आए छबीर ने अकबर के सीने दे फल चख पाए कोशिश में करें दे मैं फल छिका मेरे इमाम दे चेहरे ते मौत दी जर्दी छाई भैन बिरा दे करीब आ गया दी जहरा दे जाया जहरा दे जाया जहरा दे जाया जहरा दे जाया अल्लाह बचा गल बाबा क्या दी मैं हां मलेखा मैं हां मलेखा तू बर्छी कट दी बर्छी कट दी अपनी ने ठुक दी दवा दी तू सब जा तुसा सुन नहीं सकना तुसा नहीं सुन सकना लाहौर आलिया नहीं सुन सकना जे इजाजत दो तो मैं दो वाइन पढ़ अकबर दे चेहरे ते मौत दी दर्दी छाई आई अच्छा अकबर दे चेहरे ते मौत दी दर्दी छाई आई चौं साल दी भैन दौड़ पई पक हो गया तो मेरा भरा नहीं बचदा रुबाब दे खेमे च आई मां दे कदम ते मत्था मार के आ दी अम्मा काले कपड़े अम्मा काले कपड़े अम्मा काले कपड़े मैं तू पवाचा मेरे वीर मर गए मेरे तुर आखिरी वायर पे पड़ता जिस वायर से मैं उस मुख वैदिया मैं रसूल दी इसमत की कसम है साढ़े इलाके दरवाज जेड़े मुखा नहीं आवे नो सिंगला बन के आ दे हुसैन दा जिक्र है मैं गाजी दे इलम की कसम है सकीना दौड़िए फिरा दे मुंह ते मुंह च रखे समझ गई है मेरा फिरा नहीं बचदा सारिया सैयदादियां सामने खड़ी कभी फिरा दे मुंह चुम दिए बस मस्तूरा दे दिए अकबर की दाड़ी चुमके पक हो गया मेरा फिरा नहीं बचदा चौं साल की भैन ने हाथ जोड़े सैयदादियां नु हाथ जोड़ के आदि बंजे कोई मदीने